हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो जैसा कि हम द वाटरफॉल सिटी देवगढ़ में थे, तो हमने एक और वाटरफॉल विजिट किया था और जिसका नाम है कुर्डुकोट वाटरफॉल। ये बस एक वाटरफॉल नहीं है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है, जो है कि राजा सच्चिदानंद त्रिभुवन देव ने इस झरने को यूज़ करके इंडिया में सबसे पहले 1915 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन शुरू किया था। और ये एशिया में सेकंड नंबर पे है, उसके बाद ही हीराकुद बना, और हीराकुद बनने के बाद इसको यूज़ नहीं किया गया। तो चलिए फिर देखते हैं हमारे एक बहुत ही हिस्टोरिकल वाटरफॉल, कुर्डुकोट वाटरफॉल। तो एंट्रेंस रोड कुछ इस तरह से है, मिट्टी का रोड है, लेकिन अभी बन रहा है ये, और बहुत ही घना जंगल है, और ये मार्केट एरिया से 2 या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में आ जाएगा। तो बाइक हमने पार कर दिया है और अभी जा रहे हैं झरने की तरफ। तो ये आप रोड देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका, और बीच में बहुत सारा वाटर क्रॉसिंग है। तो ये पहला वाटर क्रॉसिंग है। अगर शू पहन के आए हैं तो इसको निकाल दीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। और अगर बारिश के मौसम में आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे वाटर फ्लो ज़्यादा होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने वाटर क्रॉसिंग किया, तो यहाँ पे एक भूतिया घर मिल गया हमें, टूटा फूटा सा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही डीप फॉरेस्ट है, तो लगभग हमको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और यहाँ पे सामने की तरफ एक छोटा सा मंदिर आपको मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में मंदिर है, लेकिन हम लोग सीधे जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस में जो मंदिर है उसके पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शायद यहाँ पे रोड वगैरह बन जाएगा और ये एक विजिटिंग प्लेस बन जाएगा। तो ये हमारा दूसरा वाटर क्रॉसिंग आ गया। तो देख रहे हैं आप कि पत्थर है लेकिन वो हिल रहा है, तो थोड़ा संभल के वाटर क्रॉसिंग कीजिएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर जूते चप्पल है तो उनको खोल के ही आप आगे जाएं। तो वाटर क्रॉसिंग के बाद ऐसे कुछ सीढ़ियाँ बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो कई कई जगह पे सीढ़ियाँ हैं और कई कई जगह पे आपको चल के जाना पड़ेगा। तो रास्ते में जाते वक्त आपको बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े झरने मिल जाएंगे, तो आप इन सब को इंजॉय करते हुए जाइए, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा। तो फाइनली यहाँ से आपको झरना दिख जाएगा। तो हम लोग झरने के पास पहुँच चुके हैं। रास्ते में आते वक्त आपको ये राइट हैंड साइड में एक पिलर है, ऐसे 4-5 पिलर देखने को मिल जाएगा, तो यहीं से ही आप झरने को एंजॉय कीजिए। तो अभी हम लोग झरने के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं दिखा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से झरना कुछ ऐसा दिखता है, और फिर यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्थर बहुत ही कम है और बहुत ही पतला सा रास्ता है, तो आप अगर ऊपर जा रहे हैं तो संभाल के जाइए। और ये जो बेस दिख रहा है आपको, तो यही था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का कुछ एक हिस्सा, और इसके नीचे एक पाइप है, तो यहाँ से पानी आगे जा रहा है, आप देख सकते हैं, और यहाँ से पानी नीचे जाता है। तो थोड़ा ऊपर और जाने का कोशिश करते हैं, अगर कुछ देखने को मिलेगा। तो फाइनली ये रहा उसका लास्ट, यहाँ से पानी नीचे आ रहा है, और ये लगभग 6 फीट का हाइट है। वाटरफॉल यहीं तक था, यहीं से और आगे हम लोग नहीं जा सकते, तो यहीं से ही पानी नीचे जाता है। तो ऐसा कुछ था कुर्डुकोट वाटरफॉल। तो आपको कुर्डुकोट वाटरफॉल कैसा लगा? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।